जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज इसके बारे में बात इसलिए होगी क्योंकि इस स्टॉक में लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो समझेंगे ये गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट कब तक चलेगी, कहाँ तक इसका प्राइस गिर सकता है। दूसरी बात, कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर आ गए हैं, नंबर अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, तो इस जो नंबर आए हैं क्वार्टर थ्री का, इसका इस कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोगों को अभी भी इस कंपनी का बोनस शेयर नहीं मिला है, तो इस मुद्दे को भी इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। जिसको जो समस्या है उस समस्या का उत्तर पाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रह सकता है, पूरी हेल्प मिलेगी। तो यदि हम लोग इस कंपनी के काम को समझने की एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये कंपनी कॉटन का बिजनेस करती है, कॉटन बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में ट्रेडिंग भी करती है। ट्रेडिंग कहने का मतलब जो चीज़ बनाती है उसी को खरीद फरोख्त करती है। तो आज के समय में कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कॉटन का सिर्फ कपड़ों में नहीं होता बल्कि जो मेडिकल हम लोग यूज़ करते हैं रुई, उसमें भी होता है, और कॉटन लगभग बहुत सारी चीज़ों में कॉटन का यूज होता है। तो इस हिसाब से हम समझें तो कॉटन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ हो जाता है, और काम के हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बने रहने के चांसेस हैं। काम काफी इंपॉर्टेंट है, दिक्कत कहाँ पे है चलिए उसको समझते हैं। इसके लिए हमें फंडामेंटल समझना होगा। तकरीबन 700 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, स्टॉक का पी भी काफी बढ़िया है, 35 के आसपास से 30 के आसपास हो तो ठीक माना जाता है। पेनी स्टॉक का पी सामान्यतः इतना कम होता नहीं है। शेयर प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है वैल्यूएशन वाइज, लेकिन हम चार्ट पर देखेंगे हमें कहाँ पर उठाना है। और सबसे बड़ी बात कि बुक वैल्यू से कंपनी का जो शेयर प्राइस है ज़्यादा है, सामान्यतः ऐसा ही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनी का आरओसी है और आरओई है, यह तकरीबन 40% के करीब है। ये काफ़ी कमाल की बात है। आपके इन्वेस्टमेंट पर भले शेयर प्राइस में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखता है। अब चलिए यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम समझते हैं कि इस स्टॉक में ग्राउट कितना लंबा चल सकता है। सबसे पहले देखिए, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 25 रुपए का लेवल, इसको और ऊपर में ये 30 रुपए का लेवल है, इसको आप मार्क पॉइंट को मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि अभी इसी स्टॉक इसी में ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक इस स्टॉक का प्राइस 30 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है तो उससे जब ब्रेकआउट बाहर निकलता है तो सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है, और इसके बाद ये भी ब्रेकआउट ही होगा और इसके ऊपर निकलेगा, तो इजिली आपको 35 से 40 रुपए तक ये लेवल तक आप जो यहाँ पे इसका सपोर्ट है यहाँ तक इजिली जाते हुए दिखेगा आपको 40 रुपए तक के लिए। तो आपको बेशक घबराना नहीं है, आपको इसमें समय दीजिए, बने रहिए, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। इस स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ रहा है 25 के पास, यहाँ से बाउंस बैक लेकर स्टॉक का प्राइस ऊपर निकलेगा और कम से कम 35-40 रुपए तक लिए आपको जाते हुए दिखेगा। दिक्कत यह है ना, कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं, मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये काफी बढ़िया नहीं आया। यहाँ पे यदि देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो जो कंपनी का सेल्स है, जो सेल्स हुआ दिसंबर क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत कम हुआ है। 388 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और अभी देखिए 266 करोड़ के आसपास में थोड़ा सा कम हुआ, और सिर्फ सेल्स ही कम नहीं हुआ है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि जो मेन बिजनेस है कंपनी की कमाई है, उसमें भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। जहाँ पहले 7.45 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था, अभी सिर्फ आधा हो गया है, कम हो गया, और वहीं पे नेट प्रॉफिट भी यदि देखें हम लोग, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, एक नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ के होने की वजह से भी इस स्टॉक में जो मतलब शेयर प्राइस है वो ऊपर अभी आपको जाते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्राइस है, ये कहने का मतलब कि रिजल्ट आने से पहले से नीचे जा रहा था, तो चूंकि देखिए हमें ऐसा हमें अभी पता चला कि रिजल्ट निगेटिव आया। जब रिजल्ट निगेटिव आने वाला होता है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी पहले पता चल जाता है, तो जिस वजह से 35 रुपये के आसपास ये गया था, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ और उस बाद प्राइस नीचे आके इस रेंज में फंसा हुआ है। तो आज जब तक इस रेंज में तब तक आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बेशक इसमें बन रही है, चाहे तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक स्टॉक का प्राइस 25 रुपये के नीचे नहीं जाता, आपको इसको बेचने की जरूरत नहीं और जाएगा भी नहीं, आप भरोसा रखिए। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड का, बहुत से लोगों को इस कंपनी का बोनस शेयर्स मिल गया है, बहुत से लोगों को बोनस शेयर्स अभी भी नहीं मिला है। तो जिन जिन लोगों को बोनस शेयर्स नहीं मिला है, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर अगले एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बोनस शेयर्स नहीं मिला है और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपने रिकॉर्ड डेट से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था, तो वो कौन सी तरकीब है जिसको फॉलो करके आप इस कंपनी के बोनस शेयर्स को पा सकते हैं। आपके पास इसका पूरा हक है, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप चाहें तो कंपनी के ऊपर केस करके भी कंपनी के बोनस शेयर्स को पा सकते हैं, लेकिन केस करने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा और आपको बोनस शेयर्स मिल जाएगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।